अस्सलाम वालेकुम। और आज हम आ गए हैं स्टोव क्लब और यहाँ की बड़ी हमने तारीफ़ सुनी थी, तो यहाँ का हम खाना ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने कैसा खाना टेस्ट किया है यहाँ फिर आगे। और अब हम जा रहे हैं स्टोव क्लब की तरफ, यहाँ पे हमारे सारे दोस्त हैं। ये है हमारा स्टोव क्लब, ये यहाँ का इनका बोर्ड है और ये जगह है। और जी ये यहाँ का स्टोव क्लब का सिटिंग एरिया है और ये इनका किचन आ गया और ये है हमारा स्टोव क्लब। चलिए जी, अब यहाँ पे ये कुछ चीज़ें डालेंगे और इसको फाइनल की तरफ लेकर जाएंगे। और तो इसमें अभी हम डाल रहे हैं नमक और ये आ गई प्याज और शिमला मिर्च और टेस्ट, ये हमारे मसाले, ये इनके अपने सीक्रेट मसाले। कितनी देर के लिए इसको छोड़ेंगे? बस तैयार है। अच्छा जी, ये तैयार हो गई। ओए होए 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 होए, बलोची देख के हमारे पटाखे मार रहे हैं। ये आ गई हमारी क्रीम और क्रीम जाएगी रेशमी पनीर हांडी में। जी सर, एक मिनट। ये आ गई हमारी क्रीम रेशमी पनीर। वाह वाह वाह, जबरदस्त। सारी गेम जो है ना, ये इसकी क्रीम की है। और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। ऑयल भी जाए। अच्छा जी, चीज़ पनीर हांडी की, हमारी रेशमी पनीर हांडी की जो है ना, गार्निशिंग हो रही है और इसके अंदर ये चीज़ चले गई है इस वक्त और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, दिखने में बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह इसको टेस्ट करके बताएंगे कि ये किस तरह की इसका टेस्ट आ रहा है। और ये चले गए अपना प्लेटर में, ये हो गई पैक और ये अब हमें सर्व की जाएगी थोड़ी देर में। और अब हमारी बलोची टिक्का जो है ये तैयारी के अमल में है और प्रॉपर ये तैयार होने ही वाला है, बस ये थोड़ी और देर फ्राई होगा। अरे ठीक हो गया, बिल्कुल निकालें। वाह वाह, ज़बरदस्त। अब इसके ऊपर मसाले डाले जाएंगे बलोची टिक्का के, जो कि इसकी एक स्पेशलिटी है। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। ये जो मसालों की जो गेम है ना, ये बड़ी अन्य वाह गेम है। बिल्कुल स्पाइसी कर दें, बलोची टिक्का खाएं और स्पाइसी ना खाएं तो ऐसे मज़ा कैसे आएगा। और जी ये आ गया हमारा लेमन जूस। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा। ये हमारे भाई हैं जो यहाँ के शेफ हैं, जो बना रहे हैं इस वक्त बलोची टिक्का और हमारी हांडी भी इन्होंने तैयार कर दी है। सही है। और ये इसको अभी मिक्स कर रहे हैं। डाल
डालो डालो। और अब हमारा बलोची टिक्का इसमें जा रहा है, वो लेमन जूस और इसके मसाले और तमाम इसके इंग्रेडिएंट्स के साथ सर्व करने के लिए रेडी है। क्या बात है, ये हो गई इसकी गार्निशिंग, बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। और अब थोड़ी देर में ही हमें सर्व किया जाएगा, इसको फाइनल टच दे रहे हैं। ये हो गई इसकी रैप, वेरी नाइस। और जी अब हम आ गए हैं, ये नान बन रहे हैं हमारे, और ये हमारे इम्तियाज जी जो हमारे लिए स्पेशल नान लगवा रहे हैं, और देखते हैं कि नान की मेकिंग कैसे होती है। ये तैयार हो गई है बेक, ये बन रही है, कौन सी बन रही है? अच्छा ये वाली है, ये गार्लिक नान आ गई, और ये गरम गरम तंदूर में जा रही है नान, क्या बात है। और ये गार्लिक नान की टॉपिंग हो रही है, क्या बात है भाई, बहुत ज़बरदस्त। और अब ये तंदूर में लगाया जाएगा, ये चाचू ने इसको फुल तैयार कर दिया है, क्या बात है। ये आ गया हमारा गार्लिक, और ये हो गई इस पे घी की टॉपिंग, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। ये आ गई हमारी दूसरी नान, गार्लिक नान, और ये अब थोड़ी देर में ही हमें सर्व की जाएगी। और ये हमारा आ गया ऑर्डर, ये इम्तियाज भाई हमारा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं इस वक्त। ये हमारी हांडी है, ये हमारा बलोची टिक्का, और साथ में रोटियां, और क्या बात है। अब हम इसको खाएंगे और सारे हमारे ग्रुप मेंबर बताएंगे कि कैसा रिव्यू कर रहा। ये भाई हमारा ऑर्डर आ गया है, अब ये हमारे सारे ग्रुप मेंबर इसको भी टेस्ट करेंगे और फिर इसका रिव्यू देंगे कि कैसा रहा। दोनों चीज़ें ओपन कर ली गई हैं इस वक्त, रेशमी पनीर हांडी और बलोची टिक्का, और बिलाल भाई फुल गार्लिक नान के पीछे पड़ गए हैं इस पर। जी वलीद भाई क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बना है, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। और वलीद भाई हमारे बलोची टिक्का निकाल रहे हैं और ये टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा रहा। और जी हमारे सारे दोस्त इस वक्त खाना खा रहे हैं, और मैं भी अब खाना खाता हूँ और फिर उसको रिव्यू देता हूँ कि कैसा रहा हमारा रेशमी पनीर हांडी और बलोची टिक्का। अच्छा जी अब मैं रेशमी पनीर हांडी का पहला बाइट लेने लगा हूँ, तो देखते हैं कि कैसा रहा टेस्ट। और ये हमारी गार्लिक नान मैंने ले ली है, और ये मेरा पहला निवाला रेशमी पनीर हांडी का जाने लगा है, और बहुत बहुत गर्म हो रही है ये। बिस्मिल्लाह बरकतुल्लाह, पहला बाइट ही इसका ऐसा है माउथ वाटरिंग, मतलब वो चीज और क्रीम और उसकी जो गार्निशिंग हुई हुई है, और इतनी सॉफ्ट इसकी चिकन की बोटियां हैं, और जो साथ में गार्लिक नान है उसकी तो अलग ही है, तो बहुत आउटलास्ट।
मैं इसका एकने वाला और लेना चाहूँगा। बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ा आ रहा है। रेशमी पनीर हंडी ले गई मैं फिर स्टूड क्लब, बहुत आउट क्लास, बहुत आउट क्लास। ये डिश मैंने ऐसी कभी ट्राई नहीं की आज से पहले, सुना बहुत था लेकिन वाकई ये वर्थ इट है। और अब मैं खाने लगा हूँ बलोची टिक्का। इसको मैं देख के वैसे ही बता दूँ कि इसकी जो मसाले की जो स्टफिंग हुई है ना, बहुत आउट क्लास है। गर्मी बहुत हो रही है, पसीना गिर रहा है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम सब खाने में मगन है, फुल मज़ा आ रहा है, दिल लबे शीरी हो रहे हैं, गार्डन गार्डन हो रहे हैं। बलोची को भी अच्छा है, जूसी है और थोड़ा सा क्रिस्पी स्पाइसी है। एक वाकई एक यूनिक टेस्ट है और बहुत मज़ा आता है।